हेलो एवरीवन, मैं राशन कुमार स्वागत करता हूँ के आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अर्थिंग जो होता है वो विद्युत सर्किट में का वह साधन होता है जो मनुष्य को बिजली के शॉक से बचाने के साथ साथ उपकरणों को भी खराब होने से बचाता है। अर्थिंग क्या होता है? धातुओं की वस्तु जिसमें करंट बह रहा होता है उसमें तार द्वारा पृथ्वी के साथ जोड़ने की विधि को हम लोग अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग जो होता है उसे हमें अर्थ टेस्टर से नापा जाता है। किसी कारणों से यदि करंट मशीन में से गुजरने लगता है तो अर्थ रेजिस्टेंस शून्य के बराबर होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में करंट सर्किट से बहने लगता है, जिसके फलस्वरूप फ्यूज तथा एमसीबी सर्किट बंद हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं ओम्स लॉ के द्वारा V=IR होता है, तो I=, क्या हो जाता है? V/R। तो अर्थ रेजिस्टेंस को हमेशा क्या रखते हैं हम लोग? शून्य के बराबर रखते हैं या शून्य से कम रखते हैं। शून्य के बराबर या शून्य के आसपास, मतलब वैल्यूज जो होंगे वो अर्थ रेजिस्टेंस का सबसे कम रखा जाता है। एक एग्जाम्पल से तो आप समझ सकते हैं कि यदि आर का वैल्यू शून्य या फिर 1 ओम रखा जाए, उसके बराबर रखा जाए, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास जो सप्लाई वोल्टेज आता है 220 या 240 के आसपास या 250 के आसपास आता है, तो 250 डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर। यहाँ पे 1 रेजिस्टेंस दिया हुआ था, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 1, तो 250 एम्पियर, जो कि बहुत ज़्यादा करंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को अपोज करता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को सबसे कम रखेंगे तो जाहिर सी बात है करंट जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 250 एम्पियर होगा, सबसे अधिक करंट आता है। अब हम जानते हैं अर्थिंग के टाइप्स के। अर्थिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्लेट अर्थिंग, दूसरा होता है पाइप अर्थिंग। तो आज जिस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अर्थिंग का, उसका सबसे पहला टॉपिक है प्लेट अर्थिंग में। तो सबसे पहला टॉपिक जो प्लेट अर्थिंग है, इस प्लेट अर्थिंग में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इसकी विधि क्या है, इसके प्लेट अर्थिंग में कौन से पार्ट कितने मात्रा में ले जाते हैं, कितने डायमेंशन में जाते हैं, वो हम लोग जानेंगे। तो प्लेट अर्थिंग जो होता है, यह विधि उस जगह दी जाती है जहां पे जमीन में नमी अधिक होती है। तो प्लेट अर्थिंग कहाँ यूज करेंगे? जहां पे नमी अधिक होगा, ठीक है। इसके लिए एक जीआई प्लेट के तांबे की प्लेट को जमीन में 3 मीटर गड्ढा खोदकर वर्टिकली दबाई जाती है। मतलब इस प्लेट अर्थिंग में एक जीआई प्लेट भी होता है, उस जीआई प्लेट या फिर अब तांबे का ही प्लेट हो सकता है वो। उस प्लेट में क्या काम करते हैं, जमीन में गड्ढा खोदकर, 3 मीटर का गड्ढा खोद करके उसे दबा दिया जाता है वर्टिकली। प्लेट को जोड़ने के लिए जीआई वायर या तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है। प्लेट के चारों ओर नमक और कोयले की 15 सेंटीमीटर की मोटाई तह दिया जाता है, लेयर दिया जाता है, एक दूसरे के बाद लगाई जाती है, ताकि प्लेट अर्थिंग जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे नमी मेंटेन रहे। अर्थ तार को 12.7 mm व्यास के जीआई पैड में डालकर ऊपर लगा दिया जाता है। 12.7 mm, 12.7 mm का जो जीआई पाइप होता है उससे लगा देते हैं हम लोग अर्थ तार को, अर्थ तार डाल करके। जीआई पाइप के साथ 19 mm व्यास की एक पाइप भी लगाई जाती है। पाइप के ऊपर एक फनल लगा दिया जाता है, जिससे समय पड़ने पर यदि नमी में कमी आ जाती है तो पानी में, गड्ढे में पानी डाल करके नमी को बढ़ा दिया जाता है। इस फनल के द्वारा पाइप का ऊपरी सिरा 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर सीमेंट के बॉक्स के अंदर कास्ट आयरन की प्लेट से बंद कर दिया जाता है। मतलब इतने डायमेंशन में 30 × 30 सेंटीमीटर में एक बॉक्स बना दिया जाता है सीमेंट का, उसमें पाइप अर्थिंग के कास्ट आयरन के प्लेट के द्वारा बंद कर दिया जाता है। अब जानते हैं हम लोग प्लेट अर्थिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट है। तो सबसे पहला नोट है,
तांबे का जो प्लेट होता है उसका साइज रखा जाता है 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 3.18 mm होता है, और जीआई पाइप को जो साइज का रखा जाता है वो 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 6.35 mm होते हैं। प्लेट अर्थिंग में प्रयोग होने वाली सामग्री, अब प्लेट अर्थिंग में जो जो चीज़ें लगती है उसकी उससे हम लोग जानते हैं। प्लेट अर्थिंग में सबसे पहला जो होता है अर्थिंग प्लेट, अर्थिंग प्लेट तांबे की होती है या फिर जीआई तार में का होता है, उसमें प्लेट अर्थिंग में तांबे की या फिर जीआई तार की होती है। तो तांबे की तार जो होता है 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर 3.18 mm का होता है, और जीआई तार जो होता है 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 6.35 mm का होता है। अर्थिंग तार जो होता है वो तांबे की भी हो सकती है और जीआई की भी हो सकती है। तांबे का जो होगा वो 10 SWG के होगी और जीआई जो होगा वो 8 SWG का। SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर के इस तांबा जो लेंगे, तांबे का जो अर्थिंग का वायर लेंगे वो 10 स्टैंडर्ड SWG का लेंगे, और जीआई का जो लेंगे वो 8 SWG का लेंगे। अर्थिंग में जो जीआई पाइप का इस्तेमाल करते हैं वो 12.7 mm का व्यास का होता है। अर्थ की तार इसी पाइप से लाई जाती है। जीआई पाइप क्या होता है? जीआई पाइप में 19.5 mm व्यास लाते हैं। इसका उपयोग प्लेट के चारों तरफ नमी रखने के लिए, पानी डालने के लिए किया जाता है। फनल का भी इस्तेमाल क्या करते हैं? पानी डालने के लिए करते हैं। नमक और कच्चा कोयला क्यों करते हैं? नमी को मेंटेन रखने के लिए करते हैं। नट बोल्ट जो हम लोग यूज करते हैं स्प्लिट अर्थिंग में 50 mm × 8 mm का होता है। तांबे का प्लेट के साथ तांबा का नट बोल्ट लगा होता है, और जीआई प्लेट के साथ जीआई का नट बोल्ट लगा दिया जाता है। लास्ट है कास्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं। कास्ट आयरन जो होता है वो 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर का होता है। आप फिगर के माध्यम से आप अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे ये कास्ट आयरन का बना था ऊपर कवर, और ये जो है फनल है जो 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का है, और 30 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के ये जो लिया गया है वो 60 सेंटीमीटर का लिया गया है, और ये जो पाइप जीआई पाइप डाला 19.5 डायमीटर का है, और ये 12.5 जीआई पाइप का डाला गया है, और नीचे जो ग्राउंड का जो प्लेट डाला, जो कॉपर प्लेट डाला गया है वो कितना है 15 सेंटीमीटर लेयर डालकर चारकोल और सॉल्ट इसमें डाला गया। ये जो गैप देख रहे हो चारकोल और सॉल्ट है ताकि नमी मेंटेन रहे, और इसका जो डायमेंशन होता है 90 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 90 सेंटीमीटर होता है, और जो प्लेट डालते हैं जो कॉपर प्लेट डालते हैं वो कितना है 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 3.18 mm 3.18 mm का मतलब लंबाई भी 60 सेंटीमीटर चौड़ाई भी 60 सेंटीमीटर और 3.8 mm जो होता है उसकी मोटाई जो हम लोग हाइट लेंगे वो 3.8 mm का लेंगे। यहाँ से टॉप से आपका 3 सेंटीमीटर आपका ये पार्ट होगा जो हम लोग चारकोल और सॉल्ट डालते हैं, 3 मीटर का अंदर होता है ये पार्ट। आशा करता हूँ प्लेट अर्थिंग आपको समझ में आया हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।